विश्व योग दिवस के मौके पर जौलपुर में किन्नरों ने भी योग का अनूठा प्रदर्शन किया। जौलपुर के योगाचार्य धनंजय परिहार ने किन्नरों को योग के महत्व के बारे में बताया था। इसके बाद वे विभिन्न योग आसनों का अभ्यास भी कराया गया। योग दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोगों ने योग आसनों का प्रदर्शन किया और जाना कि योग का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है। सभी ने योग दिवस के मौके पर योग को जीवन का अनिवार्य अंग बनाने का संकल्प लिया। योगाचार्य धनंजय परिहार का कहना है कि योग जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यदि आप योग के विभिन्न आसनों को करेंगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी या तकलीफ नहीं रहेगी। समाज जी के लिए आज ये योग का प्रोग्राम है, आज कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और योग तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है जी। और जैसा कि सब जानते हैं कल योग दिवस है और योग तो भारत की ही देन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पूरे विश्व में योग मनाया जाएगा तो हमें भी खुशी की बात है। हमारे उपराष्ट्रपति जी जबलपुर, उनका आगमन हो रहा है, उस कार्यक्रम में हम लोग को सम्मिलित करने के लिए बुलाया गया हम सब किन्नरों को, तो यह हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है और हम अति आनंदित हैं। और योग सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, योगा रोज़ सुबह उठ के करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग करना बहुत ज़रूरी है, जीवन में हर कार्य करिए लेकिन सवेरे 5 बजे उठिए और 1 घंटे योगा करिए तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम कैटरीना वैष्णवी, जबलपुर। हम बोलते हैं जी, आज कैसा लग रहा है महाराज जी द्वारा योग दिवस पे आप लोगों को शामिल किया आज योग? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये शुभ अवसर है हम किन्नर समाज के लिए कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए इस तरह की योजनाएं निकाली और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हम इतने ज़्यादा खुश हैं, उल्लास भरा है कि हम अभी से उसी ड्रेसअप में तैयार बैठे हैं। सभी एक से आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाएंगे तो आप सभी हमारे किन्नर समाज को देख सकते हैं, सभी खूब उल्लास भरे तैयार बैठे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू शर्मा। जी, आपसे आप रोज़ योग करेंगे? जी बिल्कुल करूँगी और ये मुझे योगाचार मेरे महाराज जी ने बहुत अच्छी सीख दी हमारे जीवन के लिए और ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, तो अब मैं योगा रोज करूँगी। जी जी, आपका नाम बताइए। कैसा लग रहा है आपको योग करके महाराज जी? जी महाराज ने, जी उसी से योगा कर रहे हैं महाराज ने जिस तरीके से मतलब प्रोत्साहित करके और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कार्य सोचा है, तो आज आप लोग के मन में क्या महाराज जी के लिए? महाराज जी के लिए हम लोग बहुत उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत मतलब हम बता ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग। ये बहुत बड़ी उनके लिए जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज़ सीखा है हम लोगों ने, जो आगे भविष्य में हम लोग के बहुत लाभदायक है हम किन्नर समाजों के लिए। आज तक किसी ने हम लोग के लिए कुछ नहीं सोचा था लेकिन हम सरकार ने सोचा और महाराज जी ने हमें ऐसी चीज़ सिखा दिया कि कभी ज़िंदगी भर ये चीज़ याद रहेगी और चलेगी। हम लोग बहुत खुशी हैं, बहुत खुश हैं इसी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये आसन आप करा रहे हैं अभी जी और किन्नर समाज के लिए एक बहुत बढ़िया आप कार्य कर रहे हैं, जिसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा ये प्रेरणा सर कैसे आपको महाराज मिली और दो शब्द आपसे मैं चैनल के माध्यम से जानना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले बात तो पहले प्रणाम जी आप सभी को, हरि ओम तत्सत। ये जो है ये कोई ऐसा अलग से हम समाज नहीं मानते, हम अपना परिवार ही मानते हैं जी। पहले दूसरी बात, इसकी प्रेरणा मन में बहुत समय से था कि पास में जाना है, समझना है, देखना है, क्यों एक सामान्य जनों से हट के ऐसा क्यों है ये बात, समाज के साथ जो भी करता है ना, तो ये मन में था। फिर अचानक ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ योग हुआ, उसकी पहली बैठक हुई हम लोग की कलेक्ट्रेट में, तो दिल्ली से कमेटी आई है ना, मोरारजी देसाई से ईश्वर वासवर रेड्डी ने मोदी सरकार की बताया कि ये सोचा जा रहा है, कलेक्ट्रेट की टीम ने और सोशल जस्टिस की टीम ने सब ने बताया, तो मैंने पहले कहा अब इनके लिए करना है, तो ये हमारे लिए एक तैयारी हुई, प्रेरणा का स्रोत हुए, सब मिला जुला सब जान। विगत कितने समय से आप कितने वर्षों से मतलब आज किन्नर समाज के लिए आप सेवा दे रहे हैं? देखिए ये जो योग की सेवा दे रहे हैं ये तो शुरुआत है जी, ये पहला मौका है, मौका मिल गया, अवसर है, अवसर को हमने पहचाना जी, उसके लिए मतलब ये इस योग दिवस को आपने सौहार्दपूर्ण मतलब समाज के किन्नर समाज के साथ आपने 3 दिनों का ये विगत कार्यक्रम किया है? 3 दिनों का नहीं है, ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योग, ये जो 2023 है जबलपुर संस्कार बनाने के लिए बहुत गौरव की बात है जी, क्योंकि इसको राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के लिए चुना गया है जी, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही करना था जी,
तो हम और भी इसके अलावा और हम 7 कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, टोटल 8 में से इनके लिए सबसे विशेष है ना। मुराद जी, मैं आपसे एक छोटा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से आपसे चाहूँगा। वैसे तो पूरे जबलपुर के रहवासी आपको जानते ही हैं, एक छोटा परिचय आपसे आप कैसे। मैं योगाचार्य धनंजय सिंह परिहार, मैं प्रशिक्षित हूँ बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर, जिसे विश्व योग पीठ भी बोलते हैं। और जो हमारा अभ्यास है आज करीब योग में करीब 30 साल का हो गया है ना, पर सामने हम इस तरह से आ रहे हैं, ये अभी शुरुआत की है। और हमारे जबलपुर में 2 संस्थान काम करते हैं, श्री योग जीवनम संस्थान के नाम से। ये आज जगन्नाथ यात्रा भी निकाली जा रही जगह जगह शहर में, और लोग काफ़ी प्रोत्साहित हैं और अपने कमानिया गेट से, बड़े फुहारा से, विजयनगर से, हर जगह से यात्राएं जा रही हैं। 2 शब्द आप जगन्नाथ जी के लिए बताएं। जय श्री जगन्नाथ। देखिए, ये तो बहुत शुभ अवसर है, ये एक्चुअली है गुप्त नवरात्र, आज गुप्त नवरात्र की द्वितीय है, तो हम तो और भी अति प्रसन्न हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्पेशली शहरवासियों को। और इस गुप्त नवरात्र की द्वितीया में इनके साथ हम शामिल हैं, ये हमारे लिए और भी बहुत बात है। ये हमारे लिए साधना का काल होता है एक्चुअली गुप्त नवरात्र, और इसी दौरान ये कार्यक्रम हो रहे हैं। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।